समझ प्रारंभ करता हूँ। आप सभी तब तक न जाइएगा जब तक हमारी बात पूरी न हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय बैग प्रकरण पर तमाम प्रकार के अफवाहें चल रही हैं। संघर्ष को बेनकाब करने के लिए तमाम कोशिश की गई, उसके बावजूद भी संघर्ष अपनी जगह कामयाब हुआ है। 19 सितंबर के संघर्ष के तहत परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज सचिव जी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वो पूर्णतः सत्य है। संघर्ष करने के बाद हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासनिक के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसमें थोड़ा समय लगता है। यह सब चीज़ आप सबको भली भांति पता है, फिर भी हम आप सबको यह अवगत करा दिए ताकि आप अन्य बहकावों में, किसी और के बहकावों में ना आए। मैं प्रारंभ करता हूँ कि अभी तक बैग प्रकरण पर हुआ क्या, तो मैं बताना चाहूंगा 19 सितंबर के संघर्ष के बाद लगातार प्रयासरत जारी है। पीएनपी सचिव के टच में हर तरह से पूरी कार्यकारिणी, पूरी टीम उनसे जवाब तलब कर रही है कि बैग प्रकरण पर 19 तारीख को जो धरना दिया गया था उसमें जो आपने प्रस्ताव भेजा था, क्या प्रस्ताव भेजा गया। कुछ लोगों की बातें, जब हमने फेसबुक के पोस्ट डाले कि 19 तारीख के संघर्ष के तहत प्रस्ताव भेज दिया गया, तो कुछ लोगों को लगा था कि फर्जी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रस्ताव भेज चुके हैं, सचिव जी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है और SRT जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। यह भय और संशय कई लोगों में चल रहा था और उसका मैं खंडन करते हुए बताना चाहता हूँ कि सर्वेंद्र विक्रम SRT निदेशक से मेरी बात होने के बावजूद यह निष्कर्ष निकला है कि उनको भी इस चीज़ से अवगत हो गया है कि PNP सचिव के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था वह बैग प्रकरण पर ही भेजा गया है। इसलिए एक सप्ताह के भीतर जो आने वाला निष्कर्ष है वो पूर्ण तरीके से आएगा, क्योंकि संघर्ष करने के बाद प्रमोट के लिए भी हम इंतजार किए थे, इसको भी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार ही हमारे पास सबसे अहम रास्ता है। तो सचिव जी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया वो SRT सरविंद विक्रम जी के द्वारा रिसीव कर लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। संगठन पूर्ण तरीके से आप सबके सहयोग में है, बैग प्रशिक्षुओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए उनके तरफ से पूर्ण तरीके संघर्षरत है। जिस भी तरह संघर्ष करना होगा, 18 बैच पूर्ण तरीके से प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव यानी मेरे नेतृत्व में और मेरी पूरी टीम एवं कार्यकारिणी की तरफ से बैग प्रशिक्षुओं को न्याय दिलाने में संघर्षरत है और उनको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। हम चलते हैं कुछ अहम मुद्दों पर। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, कुछ अघोषित संगठन ऐसे भी हैं जो अपनी राजनीति करने के लिए एवं प्रशिक्षुओं को बहकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।